हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले एक फोटो एडिटर ऐप के बारे में। तो ये ऐप पिकशॉट है। आज हम इस ऐप का रिव्यू करेंगे, देखें क्या कुछ इसमें खासियत है, क्या कुछ इसमें कमियां है। तो चलिए करते हैं इस ऐप का रिव्यू और बढ़ते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, अब हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना हो, आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। लेकिन आप अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर को ओपन कर लीजिए, क्योंकि ऐप दोनों के लिए ही अवेलेबल है। तो चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्चिंग बार में सर्च करना है पिक शॉट, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर जो हमारा रिजल्ट आया है पिक शॉट फोटो एडिटर, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, जिसकी ऐड भी ये दिखा रहा है ऊपर, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है, मैंने पहले इंस्टॉल कर रखी है। ओके, इसकी रेटिंग देख लेते हैं एक बार। 4.4 इसकी रेटिंग है और 85 के इसके रिव्यूज़ हैं, 85,000 इसके रिव्यूज़ हैं, 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। ओके, तो रेटिंग तो इसकी अच्छी है। तो चलिए, और ये जो ऐप हमारी, ये यूनाइटेड स्टेट्स USA की हमारी ऐप है। ओके, तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ऐप हमारी ओपन हो रही है। ओके, तो ये ऐप हमारी ओपन हो चुकी है और इसका इंटरफेस देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव इंटरफेस है और कितना अच्छा इंटरफेस है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अलग से भी ऑप्शन मिल जाता है, स्पायरल करना चाहते हैं, ड्रिप करना चाहते हैं, मिरर करना चाहते हैं, फेस कैम, ये अलग से ऐप का एक हमारी ऐड आ रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है इसमें। कोलाज बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ से ही, ठीक है। लेकिन अगर आप एडिट में जाकर इनको करना चाहते हैं, एडिट में भी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो एडिट में ही चले जाते हैं, हम सारे ऑप्शन देख लेंगे एक साथ। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, गैलरी और कैमरा, ठीक है। अगर आप गैलरी से फोटो या वीडियो उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फोटो उठाना चाहते हैं पिक शॉट और फोटो एडिटिंग ऐप है, ठीक है, तो आप गैलरी से उठा सकते हैं। और कैमरा से अगर लेना चाहते हैं तो कैमरे से ले सकते हैं। तो गैलरी में चले जाते हैं। अब आपको यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर देता हूँ एस डी कार्ड से, ठीक है। यहाँ से हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। आपको फ़ोटो ले लेनी है अपनी, ठीक है, ये ऐड दिखा रहा है, इसको करते रहे। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो यहाँ पर हमने ले लिया है। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल पर क्लिक करना है। तो ये हमारी ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए स्पायरल का ऑप्शन बाहर भी था, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, देखिए स्केच के बाद, ठीक है, और भी ऑप्शन आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। तो देखिए आप ऐड आ गई है, फिर से क्लोज करते हैं इसको। ओरिजिनल करना चाहते हैं ओरिजिनल कर सकते हैं, और यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐसे लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये इंस्टाग्राम के लिए करना, स्केच करना चाहते स्केच वाले ऑप्शन पर जाते हैं, मान लीजिए ये वाला कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट। ओके, तो थोड़ा वेट करिए, इफेक्ट लगाने में टाइम लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा हमारा स्केच का इफेक्ट यहाँ पर आ गया। इसको भी आप इधर उधर भी कर सकते हो, देखिए लेफ्ट या राइट में कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली चेंज करना चाहते हो, ठीक है, वर्टिकली चेंज करना चाहते हो, लाइन चेंज करना चाहते हो, इसकी कम या ज़्यादा करना चाहते हो, ठीक है, कलर चेंज करना चाहते हो, तो कुछ भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, या फिर यहाँ से आप कट भी कर सकते हो, कैंसिल करिए इसको, इसको हम ओरिजिनल करते हैं, ठीक है। अब स्पायरल वाले ऑप्शन पर चलते हैं, जो हमारा बाहर भी आता है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कितने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर करना चाहते हैं आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आपकी फ़ोटो पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला स्पायरल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल आपको स्पायरल्स मिल जाते हैं, सारे डाउनलोड्स होंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए वाला कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं कौन कौन सा अच्छा लग रहा है। देखिए आपको पोस्ट कर रहे हैं तो ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इनके जो ऐप है उसका नाम आ जाता है, तो ये करने की जरूरत नहीं आपको। आप देखिए ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आपको यहाँ पर स्पायरल्स मिल जाते हैं, देखिए आप यहाँ पर। तो मैं बताता जाऊँ, आप यूज़ करते जाइए, ठीक है। तो हमने देख ही लिए बहुत सारे स्पायरल, आप टूल्स पे जाते हैं, टूल्स पे आपको यहाँ पर मिल जाता है लेफ्ट राइट करना चाहते हैं आप। एक बार इसको कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं पहले, नॉर्मल टूल्स पर आप देख सकते हैं लेफ्ट करना चाहते हैं फ़ोटो को, कैसे रोटेट कर सकते हैं वैसे ही, राइट में करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, ठीक है, देखिए वर्टिकल करना चाहते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इनसाइड में करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे भी कर सकते, फिल करना चाहते हैं, पहले ही फिल है, ठीक है, तो इसलिए ये वाले ऑप्शन नहीं चल रहे हैं। ओके ओके, तो अब आ जाते हैं स्टिकर वाले ऑप्शन पर। स्टिकर पर आपको देखिए यहाँ पर कितने सारे इमोजेस मिल जाते हैं, यहाँ पर डॉग्स वगैरह के आपको मिल जाते, लगा के दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको हार्ट वाले मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ये डॉग्स वाला हमने देख लिया, देखिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं इसको जैसे आप फिट करना चाहें, अभी फिट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, इसको कट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर टूल्स में स्टिकर में जाकर देख सकते हैं कितने सारे स्टिकर्स हैं, और मोर स्टिकर्स भी आप ले सकते हैं, देखिए +64 मोर आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर और करना चाहते हैं तो आप, ठीक है। ओके, आप बैकग्राउंड पर जाते हैं, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कब काम करेगा, रुकिए हम बताता हूँ आपको, एक मिनट, इसको करते हैं पहले तो नॉर्मल,
ओके। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इंस्टाग्राम के लिए किया था तो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड था उसको अब हम चेंज कर सकते हैं, देखिए ठीक है। वो हमारी ओरिजिनल फोटो अगर पूरी फिलअप है तो वहाँ पर हम बैकग्राउंड की जरूरत ही क्या है, बैकग्राउंड तो यहाँ लेंगे ना, अगर बैकग्राउंड में हमने कुछ ले रखा है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का कर सकते हैं, देखिए ओके। तो वो आपकी इच्छा है, अभी हम ओरिजिनल फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से आके, ठीक है। फिर से ऐड आ गई, इसमें ऐड आ जाती है बार बार, बस यही थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है मेरे को इसमें, ओके। अब यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो क्रॉप करना चाहते हैं जैसा भी आप, जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देख सकते हैं आपकी फ़ोटो की जो विड्थ और हाइट है वो यहाँ पर बता रखे हैं उन्होंने, यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए जैसे, तो यहाँ पर कितने चेंज कर सकते हैं आप, कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके। फिर आ जाते हैं हम हमारे ब्लर पर, ब्लर भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। देखिए ये भी आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा चेंज, आप खुद से करेंगे तो आपको चेंज दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको कट करिए और यहाँ पर कैंसिल करते हैं इसको, टेक्सचर में जा सकते हैं आप, टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको फिल्टर्स टाइप से इफेक्ट हैं आप यूज़ कर सकते हो, ओके। कट कर देते हैं अभी के लिए हम यहाँ पर, फिर एफएक्स आ जाता है हमारा, एफएक्स में इफेक्ट्स हैं हमारे, देख सकते हो आप यहाँ पर कितने सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ओके। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। फिर टेक्स्ट आ जाता है, आप अपनी फ़ोटो पर टेक्स्ट लिखना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, उसको फिलअप करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए सब्सक्राइब। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ओके। तो अभी सब्सक्राइब का हमने किया था लेकिन उसका कलर वाइट था, इसलिए फिर से करते हैं एक बार, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार हम। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप, देखिए ठीक है। इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट आप कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। फिल्टर लगा सकते हो यहाँ पर, देखिए आप एफएक्स में जाकर, वही एफएक्स वाला ऑप्शन फिर से आ जाता है फिल्टर में। फ्रेम कर सकते हो यहाँ से, आप फ्रेमिंग कर सकते हो, ओके। देखिए मान लीजिए, ओके। फिर आप लाइट भी कर सकते हो, लाइटनिंग करना चाहते हो तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। टेक्सचर, ब्राइटनेस, वार्म्थ, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, टेंट, शार्पनेस, ब्लर, तो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी हमें कुछ नहीं करना, इसको वापस करते हैं। तो ये हमारा हो गया है, हमने सारे इफेक्ट्स इसमें देखे हैं, ठीक है। और मैं एक बार यहाँ से बता देता हूँ आपको कैसे सेव कर सकते हो। आप यहाँ से सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू गैलरी हमारा हो चुका है। ये ऐड बार बार आ रही है, ये प्रॉब्लम इसमें लग रही है मेरे को, और कुछ भी नहीं है। आप बैक करिए एक बार, ठीक है, एग्ज़िट करिए इसको। तो एग्जिट करने के बाद आपके पास इंटरफेस खुल के आप यहाँ से कोलाज, कोलाज वाला ऑप्शन हमें अंदर नहीं मिला था, कोलाज वाला ऑप्शन हमें बाहर मिला। यहाँ से आप मल्टीपल फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से कोलाज बना सकते हो। स्पायरल वाला ऑप्शन हमें अंदर ही मिल गया था, ठीक है। ड्रिप वाला ऑप्शन हमें नहीं मिला, ड्रिप वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम अपने फोटो को सिलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ से हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्रिप वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं फोटो ले लेता हूँ, अब इसमें ड्रिप वाला इतनी ले लेते हैं, इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो ड्रिप वाले ऑप्शन में देखिए आप, ये ऐड बार बार आ रही है इसमें, तो आप देख सकते हैं ड्रिप वाले ऑप्शन में। देखिए ये इफेक्ट्स हम लगाते हैं ना, जैसे देखिए बैकग्राउंड आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी ये इफेक्ट्स लगाते होते हैं ड्रिप वाले, ठीक है। ऐसी फ़ोटो उन्होंने एडिट कर रखी हो तो बिल्कुल सिंपल, इसको एडिट करना आपको ड्रिप ऑप्शन में जाना है और आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जैसा आप करना चाहो, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत सारे शेप चेंज कर सकते हो जैसे करना चाहो, स्प्लैश कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी देख सकते हो आप, देखिए नेचर करना चाहते हो नेचर जैसा कर सकते हो, देखिए। तो मल्टीपल आपको यहाँ पर आपको फीचर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो ड्रिप ऑप्शन वाले में, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है, ये बिल्कुल सिंपल है। मिरर वाला ऑप्शन देख लेते हैं, मिरर में आप कैसे कर सकते हो। फोटो को सिलेक्ट करिए, कोई भी फोटो सिलेक्ट करिए, ठीक है। मिरर वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो, ये ऐड फिर से आ गई है। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे मिरर कर सकते हो, ऊपर नीचे कैसे जैसे आप करना चाहते हो, इफेक्ट ला सकते हो, रेशो कर सकते हो, इफेक्ट चेंज कर सकते हो। तो ये आपको खुद से यूज़ करके देखनी है, मैंने आपको सारे फीचर्स इसमें बता दिए। तो गाइस जैसे कि हमने देखा कैसे इस ऐप की हेल्प से हम अपने फोटो पर स्पाइरल इफेक्ट लगा सकते हैं, ड्रिप इफेक्ट लगा सकते हैं, अपनी फोटो से कोलाज बना सकते हैं, मिरर इफेक्ट लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें फीचर है जो हम देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तक बेस्ट ऐप है, इसमें कोई भी कमी मेरे को नजर नहीं आती। आपके क्या ख्याल है इस बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट्स योर चॉइस, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।